वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरे। जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ और तुम्हें एक प्रोफेशनल मॉडलिंग के लिए ऑफर दे रहा हूँ। तू नहीं चाहती कि मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊँ, एक सुपर मॉडल बन जाऊँ? तो बन ना, रोका किसने? अगले महीने हम सब चले जाते हैं फैमिली ट्रिप, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे कुछ थोड़ा सा और माइंड भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाउ इज द आइडिया मैडम? नेक्स्ट मंथ फैमिली ट्रिप टू मुंबई इज डन। मैं टिकट्स बुक करता हूँ ट्रेन के, ठीक है? नहीं पापा, वो जूलिया को मुंबई अकेले जाना है। वो और उसे मुंबई में शिफ्ट होना है, उसके मॉडलिंग करियर के लिए। अब वो फैशन इंडस्ट्री वही है ना, इसलिए। क्या बोल रही है, पागल है क्या वो? मैं उससे बात करूंगी ना, मैं उसे समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा, पानी सर के ऊपर से बह चुका है, बात करने का टाइम इज गॉन। पापा आप प्लीज उसे परमिशन दे दीजिए ना। परमिशन? तुझे क्या लगता है वो मेरे परमिशन के लिए वेट कर रही है? बेटा तू तेरी बहन को नहीं जानती, मैं उसे परमिशन दू न दू उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने तय कर लिया है, वही वो करेगी, वो मुंबई जाएगी। एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। वो उसे नेक्स्ट वीक जाना है। नेक्स्ट वीक क्यों, इतना लेट? वो आज ही चले जाए, शाम को बस है टेलर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। रिनी मैं क्या करता हूं, मैं देखो मैं फिश लेके आता हूं, मुझे कल फिश करी और राइस चाहिए बस, और साथ में वो फ्राइड वो मिल। Why are you in such a shock? I'm not dead yet, I'm still alive. Papa, please आप ऐसे मत बोलिए ना, आप उसे खुशी से भेजिए ना पापा, प्लीज। आप she needs our support papa, specially आपका। No, not possible, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उसे अपने घर से खुशी से शादी करके भेजना चाहता था, नरक में भेजना नहीं चाहता हूं मैं। वो मॉडलिंग वर्ल्ड है ना, वो दूर से चमकता है, बहुत अच्छा लगता है, नजदीक से इट्स रॉटन, बहुत घिनौना है। इसको जब पता चलेगा ना, रोएगी, बहुत रोएगी अब, पर उसके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं रहेगा। आज के बाद मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता।
उसने साबित कर दिया है कि वो मेरा खून नहीं है। तो पापा, पापा प्लीज सुनिए ना पापा। नहीं, वो नहीं सुनेंगे, वो गलत नहीं। रीनी, तुम्हारी नजर में मैं कैसा आदमी? सच सच बता। मेरी नजर में हर एक आदमी के दो मुख्य रूप होते हैं, एक पति का और दूसरा पिता का। हर एक औरत को ऐसा पति चाहिए जो उसे इमोशनली सपोर्ट करे, उसका ख्याल रखे, केयर करे, उसे समझे, उसके हर बुरे वक्त में उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा हो हर वो जगह जहां उसे उसकी जरूरत हो, जो कि आपने निभाया मेरे साथ। इसलिए मेरी नजर में तो आप सबसे अच्छे पति हो। और पिता? पिता तो नीम के पेड़ की तरह होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वो छाया हमेशा ठंडी देते। जो आपने अपनी बच्चियों के लिए किया। I'm sorry यार जूलिया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पापा समझने को तैयार ही नहीं। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और मुझे कोई अफसोस नहीं है उनकी बातों का या उनके मुझे सपोर्ट ना करने। मैं कौन सा उनका अपना खून हूँ? ऐसे मत बोल जूलिया। मैं तेरे जगह होती तो पापा मुझसे भी इतना ही नाराज होते। आपने हमेशा अपना धर्म निभाया, अपनी बच्चियों का साथ दिया, उनके हर अच्छे काम में उनको सपोर्ट किया, उन्हें सही गलत, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सब बताया। आपसे अच्छा और बेस्ट टीचर उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। मेरी नजरों में आप सबसे अच्छे पिता हो और यही सही है। पता नहीं, आई डोंट नो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरी बात ही नहीं मान रही है। और आपने सही किया उसके साथ, लेकिन अगर वो जाना चाहे ना तो जा सकती है, अभी मैं उसे नहीं रोकूंगी। रेनी, तुम उसके साथ मुंबई चली जाओ, उसके साथ वही रहो। क्या? ये क्या कह रहे आप? हाँ, अरे उसका वहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। ये देखो, वहाँ पर अगर सब ठीक लगे ना तुम्हें तो तुम वापस आ जाना। मैं मिली को नहीं कह सकता ना, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ। लेकिन उसे नहीं बोलना कि मैंने बोला। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कह रहा हूँ ना, तुम चली जाओ। देखो रेनी, मेरा गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी लव का भी कोई जगह है ना, प्लीज। देख, वैसे भी ये भूत जल्दी उतर जाता है, ये मॉडलिंग वॉडलिंग का फीवर है ना, जितना जल्दी चढ़ता है उतना जल्दी उतरता है। मेरी बात मानो, तुम जाओ। वो बस हमारा भला चाहते हैं, जो कि हर पिता चाहता है। वो अपने जगह सही है और तू भी अपने जगह सही है। मेरी नजर में तुम दोनों सही, लेकिन जूलिया अब फैसला तुझे करना है और तू जो भी फैसला ले मैं तेरे साथ। मैंने फैसला ले लिया है, मैं कल सुबह ही मुंबई जा रही हूँ। अब कल के बाद तुम्हारे पापा मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे।
रही तू? मुंबई जा रही हूँ अभी। अभी? पर क्यों? अरे तेरे पापा ने तो गुस्से में तुझे ऐसे ही सब बोल दिया। तो तू नेक्स्ट वीक जाने वाली थी ना? माइंड चेंज हो गया, अभी निकलना है। क्या पागलपन है जूलिया, बहुत पछताएगी तू। तेरे पापा कितने अच्छे इंसान है, तुझसे कितना प्यार करते हैं। सगा भाभी तुझे इतना प्यार नहीं करता, इतनी फिक्र है उन्हें तेरी। उनके गुस्से में भी ना तेरे लिए कितना प्यार छुपा हुआ है, तुझे सब दिखाई नहीं देता। क्या हो गया तुझे? अच्छा तू आ गई, समझा इसे कुछ। देखिए क्या करिए, तेरी बात ज्यादा सुनती ना। बोली से इसे जाने दो, ये अब नहीं रुकेगी। ये ले बुक, रास्ते में पढ़ लेना, सफर आसानी से कट जाए। ठीक है तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तू तेरा सामान पैक कर ले, मैं मेरा सामान ले आती हूँ, ठीक है ना? साथ चल। ये देखो पापा डिवोर्स दे देंगे तुझे। मुझे कुछ फिक्र नहीं इन सब चीजों की, और वैसे ही मैंने परमिशन ले ली है। क्या पापा ने परमिशन दे दी? हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा जिद किया तो गुस्से में उन्होंने हाँ कर दी। मैं मेरा सामान पैक कर दी, फिर हम दोनों साथ में चलते। कोई जरूरत नहीं है बा, आप नहीं जाओगे, ये मेरी खुद की स्ट्रगल है। आप मेरे लिए अपनी लाइफ मत खराब करो ना। ऐसे भी तू अकेली जा रही है, वैसी मेरी लाइफ और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्लीज मुझे अपने दम पे कुछ करना है बिना किसी सपोर्ट के। अब अपने हस्बैंड को देखो, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है, मेलिसा को आपकी जरूरत है। मैं अकेले रह लूंगी, जब सब सेट हो जाएगा तो आना आप दोनों, पर ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। ये सही कह रही है मम्मा, जाने दो इसे। पर ये अकेले इतने बड़े शहर में कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी? अकेले कहाँ, आपकी प्रेयर्स है ना मेरे साथ, और वैसे भी हर मुश्किल समय में हमारे प्रेयर्स ही तो काम आए हैं। Heavenly Father, you know every decision we need to make and every challenge we face. Please forgive us for the times we try to figure out the life out on our own. We need your Holy Spirit to give us strength, wisdom, and direction. We give you permission to do your will in our lives. Even if it isn't what we prayed for, we trust you. Your ways are greater for us than our small thinking. So have your way. In Jesus' name, Amen. पहली बार तुम लोगों से इतनी दूर जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तो मत जा, छोड़ दे मॉडलिंग। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तुम लोगों के लिए मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे सपने सब कुर्बान मिले। मतलब अगर मैं बोलूँ मत जा तो तू नहीं जाएगी? तेरी कसम, तू बोल के तो देख। तो मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी सुपर मॉडल बने, और अपनी खुशी कभी किसी के लिए भी कुर्बान मत कर, समझी? अच्छे काम के लिए जा रही है, रोते नहीं, हंसते हुए जा। तू जा तो रही है, रहेगी कहाँ पर? कोई पहचान वाला भी तो नहीं है? माँ तू टेंशन मत ले, मैंने सब बात करके रखी है, मुझे बस वहाँ पे पहुँचना है। माँ पहुँचते ही फोन करना हम लोगों को, ठीक है? सुन ये ले। ये क्या, और इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे कहीं से भी आया हो, तुझे इससे क्या, रख ले, मुंबई में काम आएगा। गोवा नहीं है, मुंबई में बहुत जरूरत होती है पैसों की। जैसे वहां पे रहने का इंतजाम हो जाए ना तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? I love you, Millie darling. I love you too, sweetie.
मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। पापा को नहीं मिलेगी? माँ, मिला उनसे जाता है जो दुआएं देते, मेरे लिए तेरी दुआएं ही काफी है। जैसा तू समझ रही ना, तेरे पापा वैसे नहीं है, बहुत ख्याल रखते हैं तेरा। अब मैं उनसे तभी मिलूंगी जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ। ना माँ, वो अब उसे कोई रोकने वाला नहीं, अब वो अपनी जिंदगी आजादी से जी सकती है। वो सब तो ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? अब माँ, वो हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिया था। ठीक ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाती ना माँ। पापा ने पैसे दिए थे, अब उन्होंने आपको बताने के लिए मना किया था। अच्छा माँ, मैं आती हूँ। ये समझना बहुत मुश्किल, बहुत लकी है मेरी चाइल्ड। गॉड करे हर बच्ची को ऐसा बाप मिले। ये बात है, कोई नहीं, स्टार्टिंग में हर लड़की के साथ ऐसा होता है। देखो स्ट्रगलिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अपनी मन की बात सुनकर यहाँ आ गई। पर हैरी, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। अरे मुझे जानती हो इतना ही काफी है मैडम। आई एम सॉरी बट या बहुत सारे स्ट्रगलिंग मॉडल्स एक्टर्स दिन रात मुझसे मिलने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलता। तुम्हारी बात अलग है जूलिया। यू नो व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम इन गोवा, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है, यहाँ है। लुक एट यू, यू आर हियर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ हैरी, मुझे घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकता। मुझे काम तो मिल जाएगा ना? इंडस्ट्री छोड़ दूंगा मैडम अगर नहीं मिला तो। यार तुम अब टेंशन मेंशन मत लो यार, सबसे पहले तो हमें तुम्हारे रहने का इंतजाम करना हो। राइट। यहाँ पर रूम शेयरिंग सिस्टम चलता है, एक लड़की ने डिपॉजिट से घर लिया और बाकी लड़कियां रूम रेंट भरती है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी एक फ्रेंड है नियारी का दलाल, वो एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट है इंडस्ट्री की, तो उसका फ्लैट है जो वो रेंट पर देती है, और एक और लड़की है जो उसके साथ रेंट पे रहती है जिसका नाम है मौसमी दास। सो नियारी का को एक और लड़की चाहिए एज ए रूम पार्टनर, सो मैं तुम्हें वहां रखवा देता हूँ। ओके थैंक यू। सो लेट्स गो, चेंज कर लेते हैं और चलते हैं। हे हैरी। हे निहारिका। कैसे हो? बस बढ़िया। कैसे आना हुआ? निहारिका, शी इज जूलिया फर्नांडिस, माय फ्रेंड फ्रॉम गोवा, ये मॉडलिंग करने के लिए आई। तेरी फ्रेंड? पहले तो कभी नहीं बताया इसके बारे में। व्हाटएवर, मैं क्या कर सकती हूं? निहारिका, हमें ना इसके रहने का इंतजाम करना है, बिकॉज शी इज न्यू और यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। तुम्हें भी एक रूम पार्टनर चाहिए था ना, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ रह जाएगी और तुम्हें भी एक रूम पार्टनर मिल जाएगा और इसे घर। पिछली वाली लड़की याद है ना, उसे भी तूने रखवाया था ना? एक नंबर की शराबी और आवारा लड़की निकली, एयरोस्टेस बोला था ना, बाद में पता चला क्या क्या करती है। क्यों मौसमी, सीरियसली
पुलिस कंप्लेंट करके निकलवाया था उससे। लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती ना। जूलिया अच्छे घर से है, फैमिली वाली है, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो हर वेरी वेल। देखिए, मैं एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पता करा सकते हैं। मैं आपको अपनी मम्मी से बात करवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। रेंट टाइम पे चाहिए और नो बॉयफ्रेंड अलाउड। पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डार्लिंग, पहले हर लड़की का नहीं होता है, बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। सो डोंट ट्राई टू फूल मी, ओके? मैं अपने घर और घर वालों को छोड़कर अपना करियर बनाने आई हूँ। अगर यही सब करना था तो गोवा में लड़कों की कमी नहीं है। और मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे जीसस कहते हैं, डेविल इज द लायर एंड द फादर ऑफ द लायर। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं कोई गलत काम करती हूँ। तो तुम्हें इंडस्ट्री में क्या करने आई हो? यहाँ पे तो सारे झूठे लोग ही भरे पड़े हैं। क्यों यारी? ट्रू, जहाँ गलत है वहां सही भी है, और हर इंसान गलत हो मैं नहीं मानती। मुझे अपने जीसस पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे तुम्हारी सोच है, अगर वैसे ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू। बाय द वे, ये मौसमी दास मॉडल है बाय प्रोफेशन, और ये है जूलिया, मॉडल बनने आई है, याद से हमारे साथ रहेगी। हाय। हाय, वेलकम। पहले कभी मॉडलिंग की है? कुछ शोज किए थे कॉलेज के। डार्लिंग, कॉलेज की मॉडलिंग बच्चों का काम है, प्रोफेशनल मॉडलिंग बहुत अलग है। ये ग्लैमर वर्ल्ड एक समंदर है, यहाँ पे तैरना नहीं आया तो डूब जाओ। और बाय द वे, मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की एक्सपेक्टेशन मत रखना। बाकी हैरी है, ही विल हेल्प। थैंक यू सो मच। ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का, ये जहां है।